प्रिय शिक्षार्थियों, आज हम पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के एक महत्वपूर्ण विचारक, उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जिनका नाम है प्लेटो। प्लेटो के जीवन के बारे में आज हम जानेंगे। प्लेटो प्राचीन यूनान के बहुत प्रभावशाली, प्रतिभाशाली दार्शनिक थे। पश्चिमी परंपरा में उन्होंने सबसे पहला ऐसा चिंतक माना जाता है जिन्होंने व्यवस्थित रूप से सिद्धांतों का निर्माण किया। प्लेटो ने राजनीति की ऐसी समस्याओं पर विचार किया जो आज के युग में भी महत्वपूर्ण समझी जाती हैं, और उन्होंने इनका ऐसा विश्लेषण प्रस्तुत किया जो आज भी चर्चा, परिचर्चा और वाद विवाद का विषय बना हुआ है और संभवतः आने वाले समय में भी बना रहेगा। प्लेटो का जन्म एथेंस के एक कुलीन परिवार में हुआ था, और यही कारण था कि जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो उन्हें उत्तराधिकार में मिली थी। उन्होंने कई खेलों में इनाम जीते और सैनिक के रूप में भी उन्होंने ख्याति प्राप्त की। सुकरात की अद्भुत तर्क विद्या ने उनको आकर्षित किया और एक कुशल दार्शनिक के रूप में परिणित कर दिया। 399 ईसा पूर्व में जब प्लेटो 28 वर्ष के थे, सुकरात को विष पीने का दंड दिया गया। इस घटना का प्लेटो के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वो राजनीति से विरक्त हुए और दर्शन की ओर आकृष्ट हुए। इस घटना का ही प्रभाव था कि प्लेटो ने माना कि जब तक शासक दार्शनिक, ज्ञानी और विवेक वाला नहीं हो जाता है, तब तक राज्य का कल्याण संभव नहीं हो सकता है। सुकरात की मृत्यु के बाद वह अपने कुछ दोस्तों के साथ नजदीक के नगर मेगरा चले गए और 12 वर्ष तक देश विदेश में घूमते रहे। वो यूनान, मिस्र और इटली की उन्होंने यात्राएं की और वहाँ की जो शासन प्रणाली है उसका अध्ययन उन्होंने उस दौरान किया। अपनी देश विदेश की यात्रा से लौटने के बाद प्लेटो ने दर्शन शास्त्र का विस्तृत अध्ययन किया और उसके निरूपण के लिए अकादमी की स्थापना की 380 ईसा पूर्व में। प्लेटो का एकेडमी है, उसका विख्यात शिष्य अरस्तु इसी एकेडमी की देन है। प्लेटो की अकादमी वैज्ञानिक अनुसंधान का शिक्षणालय और संस्थान दोनों है, ऐसा बार्कर ने माना है। प्लेटो की अकादमी में गणित और ज्यामिति पर विशेष उस पर ध्यान दिया गया, और उसके जो गेट था अकादमी का, उसमें लिखा गया था कि गणित के ज्ञान के बिना यहाँ कोई प्रवेश का अधिकारी नहीं है। इसके अतिरिक्त अकादमी में राजनीति, तर्कशास्त्र, आचार शास्त्र, विधि शास्त्र, वनस्पति, मानव शास्त्र तमाम विषयों की शिक्षा दी जाती थी। और माना जाता है कि ये जो अकादमी थी इसने 900 वर्ष तक तमाम जो यूनान है वहाँ पे ज्ञान फैलाया। और माना जाता है कि प्लेटो ने लगभग 36 से 38 ग्रंथों की रचना की, पर इनमें जो प्रमाणिक ग्रंथ हैं वो 28 है जिन्हें बर्नेट के द्वारा संपादित किया गया है। इसमें कुछ ग्रंथ हैं जो मुख्य ग्रंथ हैं उनको हम जानते हैं, जो है अपोलॉजी, क्रीटो, यूथिफो, जिसमें ये जो तो तीनों कृतियां हैं इसमें सुकरात के विचारों को ही प्लेटो ने अभिव्यक्त किया है एक तरीके से, जो सुकरात से उन्होंने सीखा था और जो सुकरात के विचार हैं वो इन तीनों में उन्होंने अभिव्यक्त किए हैं। मीनो, प्रोटोगोरस, सिंपोजियम, जैसे प्रोटोगोरस है उसमें उन्होंने ज्ञान को ही गुण उन्होंने बताया है, और सिंपोजियम में उन्होंने कला और प्रेम के विषय में बात की है, उस पर प्रकाश डाला है। इसके अलावा फेडो, रिपब्लिक, रिपब्लिक में उन्होंने न्याय की विवेचना की है। जब हम आगे चल के प्लेटो की न्याय को डिस्कस करेंगे तो हम इस पे डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा सोफिस्ट है और स्टेटमैन है, ये संवाद शैली पे लिखी गई है, उसमें एक तरीके से डायलॉग्स हैं। और लॉज, लॉज जो बुक है वो प्लेटो की अंतिम पुस्तक है जो उन्होंने अपनी वृद्धावस्था में लिखी थी, और इसका जो प्रकाशन है उनकी मृत्यु के बाद हुआ। इसमें उन्होंने आदर्श की जगह व्यवहारिक अनुभव को प्रतिष्ठित किया, जबकि हम देखते हैं कि रिपब्लिक में उन्होंने जो यूटोपियन थॉट है उस पे ज़्यादा उन्होंने फोकस किया कि कैसे आदर्श राज्य को प्राप्त किया जा सकता है, इस पे उन्होंने ज़्यादा फोकस किया। और जो लॉज है इसमें उन्होंने आदर्श की जगह व्यवहारिक अनुभव को
ज़्यादा महत्व दिया। एक तरीके से जो ये ग्रंथ है लॉज, वो प्लेटो के जो सिराक्यूज के अनुभव हैं उस पर आधारित है। जो सिराक्यूज का अनुभव है प्लेटो का, प्लेटो जब अपनी यात्रा में थे और वो इटली सिसली घूम रहे थे, तो सिसली के जो सिराक्यूज राज्य है वहाँ पे उन्होंने उनकी मुलाकात एक राजा से हुई, राजा दियोनीसिस से वो मिले, और उन्होंने जो अपना आदर से राज्य है और जो दार्शनिक शासक का जो उनका विचार था वो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए उन्होंने सोचा। और जब दियोनीसिस ने को वो दार्शनिक शासक बनाने के लिए प्रयास कर रहे थे, तो जब दियोनीसिस ने देखा कि जो रिपब्लिक के जो नियम हैं और जो जिस तरीके से दार्शनिक शासक को बनना है, तो दियोनीसिस को समझ में आया कि ये बहुत कठिन काम है और इसके लिए उन्होंने बहुत अनुशासन में रहना पड़ेगा, उन्होंने जो मोह माया है उसे छोड़ना पड़ेगा, प्रॉपर्टी उन्होंने छोड़नी पड़ेगी, संपत्ति उन्होंने छोड़नी पड़ेगी। और जब वो रिपब्लिक का पाठ उन्हें पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने खुद दियोनिसिस के जो चरित्र है उस पर भी उन्होंने प्रश्न करना शुरू कर दिया था। तो ये एक तरीके से दियोनिसिस को गवारा नहीं हुआ और उन्होंने प्लेटो को स्पार्टा के राजदूत को सौंप दिया। और जो राजदूत था उसने प्लेटो को दास के रूप में एजाइना टापू में भेज दिया। और किसी तरीके से जो प्लेटो है उनको उनके मित्र ने खरीदा और उनको दासता से मुक्त किया। तो ये जो एक्सपीरियंस था कि जो प्लेटो ने देखा कि जो आदर से राज्य है या दार्शनिक शासक है वो वास्तविकता में उसको लेकर के आना मुश्किल है, इसलिए जब उन्होंने लॉज को लिखा तो उन्होंने एक उप आदर्श राज्य की बात उन्होंने इसमें की, और वो एक तरीके से उनका जो कटु अनुभव रहा उससे ही निकल करके उनकी लॉज आई। प्लेटो की अगर हम चिंतन पद्धति के बारे में बात करें, तो प्लेटो की जो चिंतन पद्धति है उसमें जो पहली जो उनकी पद्धति है वो है डिडक्टिव मेथड उन्होंने अपनाया है, दार्शनिक पद्धति भी इसे कहा जा सकता है। इस विधि में जो दार्शनिक होता है वो कुछ सिद्धांतों को पहले ही आधार बना लेता है, आधार मान लेता है, और उस आधार पे कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं, यानी कि जनरल टू पर्टिकुलर ये जाता है। जैसे कि अगर आप हम प्लेटो के आदर्श या अच्छे शासक के बारे में देखें, तो उन्होंने कुछ सिद्धांत को आधार के रूप में पहले ही स्वीकार कर लिया था, फिर उसे अपने आदर्श राज्य के रूप में चित्रित किया, यानी कि निष्कर्ष पहले ही इसमें निकाल लिए जाते हैं। जो दूसरी उनकी पद्धति है वो है डायलेक्टिव या द्वंद्वात्मक। इस पद्धति में प्रश्न उत्तर के माध्यम से तर्क वितर्क के आधार पर जो ट्रुथ है, जो सत्य है, उसको खोजा जाता है, उसका अन्वेषण किया जाता है। इस पद्धति में मस्तिष्क के विचारों को सामने लाने का प्रयास किया जाता है, डायलॉग्स किए जाते हैं। और इस पद्धतियों का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो भी इसका पार्ट बन रहे हैं उसे विचारशील बनाया जाए। और इस पद्धति को प्लेटो ने सुकरात से ग्रहण किया था। इसके अलावा जो उन्होंने पद्धति अपनाई है वो है विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल पद्धति उन्होंने अपनाई है। इसमें किसी जो वस्तु है उसके मौलिक तत्व को विभाजित करके उनका पृथक पृथक अध्ययन किया जाता है, जिससे कि उन तत्वों से निर्मित संपूर्ण वस्तु का जो पूरा ज्ञान है वो हासिल किया जा सके। प्लेटो ने इस पद्धति को अपनाया। इसका प्रयोग करते हुए उन्होंने आत्मा को तीन निर्माणकारी तत्वों में बांटा, विवेक, साहस और तृष्णा में उन्होंने बांटा, और फिर पृथक पृथक इनका अध्ययन किया। और इसी आधार पे उन्होंने बाद में अपना जो राज्य है, राज्य के भी निर्माणकारी तत्वों को तीन भागों में बांटा, जिसमें उन्होंने सैनिक वर्ग, दार्शनिक और उत्पादक वर्ग में बांटा और इनका अध्ययन किया। इसके अलावा जो उनकी पद्धति है वो है सादृश्यात्मक पद्धति। इस पद्धति में क्या होता है, इस पद्धति में जो पौराणिक कथाएं होती हैं, जो मिथ्स होते हैं, मिथक गल्प कथाएं होती हैं, उनको जो एक तरीके से वास्तविक तो नहीं है पर नैतिक रूप से सही मानी जाती हैं, उनको प्लेटो ने अपने विचारों में स्पष्ट, जहाँ पे वो अपने विचारों को स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे, वो अपने विचारों को स्पष्ट करने में असमर्थ जहाँ पे हो जाते हैं, तो वहाँ पे वह गल्प कथाओं द्वारा अपनी बात को समझाने की कोशिश करते हैं। प्लेटो ने की जो फोनिसियन की कथा है, धातु की कथा है, जिसमें वो दार्शनिक शासक को सोना, सैनिक को चांदी और उत्पादक को कांसे से जो तुलना कर रहे हैं वो इसी तरीके से है।
इसके अलावा जो उनकी पद्धति है वो है सौद्देशात्मक पद्धति, जिसमें हर चीज़ का एक मोटिव होता है, एक उद्देश्य होता है, और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो जो है वो सतत प्रयत्नशील रहता है। और इसके अलावा जो उनकी पद्धति है वो ऐतिहासिक पद्धति है, जिसमें अतीत के आधार पर अध्ययन किया जाता है कि अतीत में क्या चीज़ें हुई थी, उसको स्टडी करके अपनी चीज़ें निकाली जाती हैं। जैसे कि जो रिपब्लिक है उसमें राज्य के विकास की जब प्लेटो बात करते हैं तो उसकी चार अवस्थाओं का वो वर्णन करते हैं। तो ये पद्धतियाँ प्लेटो ने अपनाई। अगर हम देखते हैं कि प्लेटो किन चीज़ों से प्रभावित थे, क्योंकि हम देखते हैं कि जो प्लेटो हैं वो अपनी जब टीन एज में थे वो सुकरात के संपर्क में आए, 18 से 20 वर्ष के जब वो थे वो सुकरात के संपर्क में आए, और सुकरात की जो तर्क शैली थी और उनकी जो जो ज्ञान था उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, और एक तरीके से जो दर्शन को अपनाने का जो आइडिया है उन्होंने सुकरात से ही लिया। तो सुकरात का बहुत ज़्यादा प्रभाव प्लेटो पे था जब वो जीवित थे, यानी कि सुकरात जब तक जीवित थे तभी भी प्लेटो सुकरात से प्रभावित थे, और सुकरात की मृत्यु का तो बहुत ज़्यादा प्रभाव प्लेटो पे रहा। और जो दार्शनिक शासक का जो कॉन्सेप्ट है, जब वो कहते कि जो शासक है वो ऐसा होना चाहिए जो सारा जो ज्ञान है जिसने प्राप्त कर लिया हो, ऐसा शासक हो क्योंकि वो सही निर्णय ले पाए। तो सुकरात की मृत्यु का बहुत ज़्यादा प्रभाव प्लेटो में देखने को मिलता है। और उसके अलावा जो उस समय जो चीज़ें घटित हो रही थी, जो उस समसामयिक जो चीज़ें थी उस समय की, उनका भी प्रभाव प्लेटो पे स्पष्ट दिखाई देता है। जो पेलोपियन वॉर चल रहा था ओलिगार्गीज और डेमोक्रेट्स के बीच में, उसका भी प्लेटो पे स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। तो शिक्षार्थियों, आज हमने जाना प्लेटो के जीवन के बारे में, उनकी कुछ किताबों के बारे में, और उनकी जो पद्धतियाँ हैं अध्ययन की, तो उनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो आशा है ये आपके लिए लाभप्रद रहेंगी, और आने वाली कक्षाओं में हम प्लेटो की जो सिद्धांत हैं, जो उन्होंने अपने अलग अलग सिद्धांत वो लेकर के आए, उन पे हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।